अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लजीज चिकन टिक्का रेसिपी, जो घर पर बनाने में आसान है और मज़ेदार भी। इस रेसिपी में चिकन को फ्लेवरफुल मसालों में मैरिनेट करके फ्रीजर में स्टोर करने का तरीका भी सीखेंगे, जिससे आप चंद महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहे बस निकाल कर फ्राई करें और मज़ेदार चिकन टिक्का के मज़े उठाएं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले 2 किलोग्राम बोनलेस चिकन लें, इसे क्यूब में कट कर लें जैसे दिखाए गए हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टेबलस्पून जीरा। थोड़ी देर तक सॉटे करें। आठ साबुत लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची और साथ ही 2 दालचीनी। 3 तेज पत्ता ले लेंगे। जब तक खुशबू आए हम भून लेंगे इसे। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है ये। यहां मैंने 2 पैकेट चिकन टिक्का मसाला लिया है, गरम मसाला जो तैयार किया था, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 कप दही, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक। ये सब अच्छे से मिला लेंगे। अब चिकन को स्कीवर में लगाना है जैसे मैंने दिखाया है, या आपको इजीली शॉप में मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ एक स्टिक में 4 चिकन पीसेस लगाए हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने सारे स्टिक तैयार हो गए हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए एक बड़े से कंटेनर ले लेंगे। इसे कंटेनर में वीडियो में दिखाए गए तरीके से रखेंगे। अब इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर लें, इससे चिकन पीसेस अलग रहेंगे। और चिकन को ऐसे ही रख दें जैसे दिखाया गया है। इस तरह से पैकिंग करके आप चिकन को फ्रोज करके चंद महीनों तक रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े आप आराम से इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें, चिकन स्टिक को पैन में रखें। अब गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब मैं इस पर लेमन जूस लगा रही हूँ, इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। अब चिकन का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, उस वक्त तक पकाएगा जब तक ये अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। उम्मीद है आपको ये चिकन टिक्का रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल कुकर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।